विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को नाम वापसी के साथ पूरी हो गई है। जिले की 6 सीटों पर 58 प्रत्याशियों ने अपने दावेदारी के लिए नामांकन फार्म दाखिल कराए थे, जिसमें से 16 ने मैदान छोड़ दिए हैं, जबकि 42 अब भी मैदान में डटे हुए हैं। नामांकन वापसी के बाद सभी 6 सीटों का परिदृश्य साफ हो गया है। दोपहर 3 बजे तक चली नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद शेष प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। अब इन प्रत्याशियों को अपनी अपनी विधानसभा में जनता का कितना समर्थन मिलता है, यह तो 17 नवंबर को वोटिंग और 3 दिसंबर को मतगणना से ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि अब चुनाव सरगर्मी बढ़ने लगेगी। नाम वापसी के बाद भिकनगांव में 6, बड़वा से 8, महेश्वर से 7, कसरावत से 4, खरगोन से 11 और भगवानपुरा से 6 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने जनता के बीच जाएंगे। जिले की सभी 6 सीटों की बात करें तो मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता रहा है। दोनों प्रमुख पार्टियों का यहां अपना वोट बैंक है, इसलिए भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों का डर है कि चुनाव मैदान में डटे निर्दलीय प्रत्याशियों सहित अन्य उनकी ही पार्टी के बागी खेल न बिगाड़ दे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। मैंने कसरावत विधानसभा क्षेत्र 184 कसरावत से निर्दलीय के रूप में मैंने फार्म भरा था, लेकिन आज मैंने फार्म अपना बेटा कर दिया। क्या कारण रहे? नहीं देखिए, ऐसा कोई कारण नहीं रहा मेरे पीछे। मैंने इतने दिनों से समर्पित भाव से पार्टी की सेवा भी की है। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि पार्टी से विपरीत जाऊंगा। पार्टी का मेरे ऊपर बहुत एहसान है। अभी क्या पूरा तन मन धन से काम करोगे पार्टी? बिल्कुल ईमानदारी से काम करूंगा मैं। इस प्रकार से कोई भेदभाव नहीं रखूंगा। पार्टी के साथ में हमारे प्रत्याशी भाई सचिन यादव जी, पूरा जोर शोर से उनका काम करूंगा। जैसे पिछले 2 विधानसभा में मैंने पूरे समर्पित भाव से उनको चुनाव जिताया, उसी प्रकार से आज मैं फिर उनके साथ तन मन से उनकी सेवा में लगूंगा। मतदाताओं को उनके पक्ष में वोट देने के लिए अपील करूंगा। फॉर्म उठाने आप आए और आप भावुक हो गए आज तक? देखिए, वो तो भावुक कह रहे तो कुछ मत बोलो। मेरे स्वर्गीय श्री सुभाष यादव थे, जो मेरे राजनीतिक गुरु थे, मेरे पिता समान थे। आज उनकी मुझे याद आ रही है, इसलिए मैंने आज अपना पीछे कदम रखा है और पार्टी को मैं हमेशा काम करता रहूँगा, करता रहूँगा। कोई दबाव तो नहीं आपको? नहीं नहीं, किसी प्रकार को कोई का दबाव नहीं है। मैं निष्पक्ष भाव से अपने मन से यहाँ पर चल के आया हूँ और मैंने अपना फार्म उठाया। संभावित दावेदारों में भी शामिल रहे हैं आप, मतलब अभी वर्तमान चुनाव में? हाँ। और बीच में आपने ये कहा भी था कि कहीं ना कहीं वो नाराजगी रही कि पार्टी नहीं, नहीं वो तो ठीक है, वो तो आपस की बात है, चलती रहती। मैंने भी दावेदारी करी थी, विधानसभा में टिकट मांगा था लेकिन नहीं मिला, तो कुछ कारण रहे होंगे। बाकी हमेशा मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी का काम। क्या नाम लिखता हूँ? मैं शेरू यादव, ब्लॉक कांग्रेस पूछू। पिछली बार 4 बार का ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहा। आज अंदर आ जाओ, ये ये आपने महेश्वर से निर्दलीय फार्म भरा था और आज वापस नामांकन लिया, क्या मतलब कारण रहे उसके? पहले मैं माँ नर्मदे हर और देवी अहिल्या की पावन भूमि को नमन करते हुए और सभी पत्रकार बंधुओं को नमन करते हुए हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरे राजनीतिक गुरु मेरे दादा रामाजी धनक, जो जनसंघ के संस्थापक रह चुके हैं, जिन्होंने 1962 में हमारा झाबुआ विधानसभा के वार्ड क्रमांक 9 से पहला पार्षद मेरे दादाजी ने बनाया। और आज मेरे पापा भी हैं, जो कि गोरक्षा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री हैं, जो कि बीजेपी। हम लोग सभी, हमारा पूरा परिवार 1962 से राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा को ही सपोर्ट करता आया है। जनसंघ से, जब जनसंघ का जो चुनाव चिन्ह था वो दीपक था, उस समय का पार्षद मेरे दादाजी ने बनाया थाना विधानसभा और वार्ड क्रमांक 9 से। और अभी मेरा जो बहुमत है वो भाजपा के प्रति समर्पित है, ताकि मैं भाजपा को आगे लेके जाऊं। और
इसलिए मैं अपने यही शब्दों के साथ में विराम। तो झाबुआ से चुनाव लड़ने महेश्वर पहुंचे आप और आज फॉर्म भी वापस लिया, क्या कारण? इसका कारण ये है कि वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद और जो मार्गदर्शन मिला उसके हिसाब से ये चीज की है। तो क्या उम्मीद लग रही थी आप जैसे झाबुआ जो है दूसरे बेल्ट से? वहाँ की जो सीट है वो ट्राइब्स लोगों के लिए रिजर्व रहती है, इस वजह से यहाँ से फॉर्म भरा। अच्छा, तो आगे फिर क्या मतलब यहाँ महेश्वर में आगे भी काम करने की इच्छा है आपकी? बिल्कुल, तन मन धन दिन रात अच्छी तरीके से विकास करने की संभावना के साथ ही मेरा बीजेपी को समर्थन है, यही विचारधारा के साथ काम करूंगी आगे भी। तो आज फार्म उठा लिया आपने? हाँ, निर्दलीय फार्म डाला था। हाँ, निर्दलीय और आज मेरा जो समर्थन है वो बीजेपी को है। क्या नाम लिखता है? नहीं, जैसे अभी अभी जैसे आपने बताया कि आप बीजेपी समर्थित हैं, तो जब बीजेपी समर्थित है तो फिर निर्दलीय फॉर्म भरने की जरूरत क्यों पड़ी? आप शुरू से पार्टी का काम भी तो कर सकते थे। हाँ, लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं नहीं हूँ अभी, और मैं विधि प्रकोष्ठ की भाजपा की सदस्य भी हूँ, अभी एडवोकेट मतलब है, तो विधि प्रकोष्ठ से मैं भाजपा की सदस्य भी हूँ, और मेरा ऐसा है कि एक चुनाव प्रक्रिया को समझना चाहती थी कि किस तरीके से होता है, और फिर भाजपा का टिकट था मतलब बीजेपी से बिलोंग करती हूँ, बट फिर भी मैंने निर्दलीय फॉर्म भर के बीजेपी को ही समर्थन दे रही हूँ ना अभी। ठीक, क्या नाम लिखते हैं आप? कुमारी एडवोकेट मयूरी धनक। कहाँ रहते हैं आप? थांदला दिला झाबुआ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।